सबसे पहले नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होते हैं, नेचुरल मेथड किस चीज़ पे बेस्ड काम करते हैं, इन नेचुरल मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है जो पुराने जमाने में यूज होती थी। इसका मतलब पुराने जमाने में जहाँ पर कोई बैरियर्स या कोई डिवाइसेस नहीं बने थे या कोई पिल्स वगैरह नहीं बनी थी, उससे पहले किस तरीके से बर्थ कंट्रोल और प्रेगनेंसी को रोका जाता था उसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, जो प्राइमेटिव यूज किया होता था या पहले यूज होता था। तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड किस बेस पर काम करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चेंजेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। यानी ये बेस्ड करता था कि कौन से प्रिंसिपल पर काम करता था, स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग होती थी उसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी मीटिंग के साथ जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को क्या कर देता था, वो अवॉइड करने के प्रिंसिपल पर वर्क करता था। जिसमें सबसे पहले आता है पेरियोडिक एब्सिस्टेंस। पेरियोडिक का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर हमें हो एब्सेंट होना हो, जिसे एलिमेंट्री एब्सिस्टेंस भी कहते हैं, रिदमिक या रिदम एब्सिस्टेंस भी कहा जाता है, या सेफ एब्सिस्टेंस या सेफ पीरियड भी कहा जाता है, रिदमिक पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन विच द कपल अवॉइड कोइटस। कोइटस का मतलब होता है फिजिकल रिलेशन बिटवीन मेन एंड मेल एंड फीमेल, है ना। इन विच द कपल अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 टू 17 ऑफ एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी जब किसी लेडीज के मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, चल रहा होता है, उस टाइम बीच में जो डेज आते हैं उसके 10 से लगा करके 17 तक, तब आपको उस फीमेल के साथ में कोई भी तरीके का रिलेशन यानी कोइटस आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो होता है ओवल यानी ओवम जो होता है वो बहुत ही एक्टिव कंडीशन में होता है, और वो इतना एक्टिव होता है कि समथिंग 2 डेज के लिए तो वो किसी भी स्पर्म के लिए एक्टिवनेस अपनी दिखाता ही है। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। ये 10 to 17 days होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्टाइल पीरियड कहलाता है। जनरली हम 13 to 14 जो डेज होता है, 13वें से 14वें दिन, उस दिन ज़्यादा ध्यान रखना होता है, लेकिन NCERT बुक कहती है 10 to 17 days, मेडिकल बुक्स कहती है 13 to 14 days, एंड अदर बुक जो होती है वो कहती है 13 to 16 days। मतलब इसका होल ओवर आइडिया निकलता है कि आपको 13 और 14 दो डेज को आपको जनरली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो डे के दिन ओवम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में होता है, और उस दौरान हमें जब पता हो कि कौन सा डेज पर ओवम ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में होता है, तो उस दौरान हमें कुछ सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एब्डोमल पेन होना, है ना, इस तरीके के कुछ चेंजेस होते हुए फीमेल में दिखाई देते हैं। दूसरी कंडीशन आती है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, है ना। विड्रॉल का मतलब होता है बाहर निकाल देना, कोइटस मतलब होता है फिजिकल रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, इंटरप्टस का मतलब होता है कि आप कुछ भी इजैकुलेशन करने से पहले उसे वहां से विड्रॉल कर ले। विड्रॉल का मतलब ही इंटरप्टस कहलाता है, सिमिलर वर्ड है, कोइटस का मतलब फिजिकल रिलेशन। मेल पार्टनर विड्रॉल पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन। जब स्पर्म का इजैकुलेशन होता है उससे पहले क्या करता है, वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल देता है। सो अवॉइड इनसेमिनेशन, उसमें क्या अवॉइड हो जाता है, इनसेमिनेशन, क्योंकि इनसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म इजेक्ट इनटू द वेजाइना, एंटर इनटू द वेजाइना। नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है दूध का स्त्रवण होना। महिलाओं में जब डिलीवरी के बाद में दूध का स्त्रवण होता है, देन मिल्क का सीक्रेशन होता है, उसे कहते हैं लैक्टेशनल पीरियड। क्या कहा जाता है, लैक्टेशनल पीरियड। और एमिनोरिया का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है ना, रेड ब्लीडिंग होती है, उसे कहते हैं मोनोरिया। और अगर वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना के थ्रू तो उसको कहा जाता है ल्यूकोरिया। उसी तरीके से अगर किसी भी प्रकार के मेंस्ट्रुएशन साइकिल या किसी प्रकार का सीक्रेशन नहीं होता या डिस्चार्ज नहीं होता है, उसे कहते हैं एमिनोरिया। क्या कहा जाता है, एमिनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंस होता है तो उसको कहते हैं एमिनोरिया, है ना। साइकिल डज नॉट अकर, जब साइकिल नहीं होता है, कब नहीं होता है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लैक्टेशन। कौन से पीरियड में, जब मिल्क सीक्रेशन का टाइम होता है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेडीज में नहीं पाया जाता है। फॉलोइंग पार्टुलेशंस, पार्टुलेशन का मतलब होता है जब डिलीवरी पीरियड हो जाता है, यानी बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद में उसकी मदर उसको दूध पिलाने के लिए 6 महीने का जो मैक्सिमम गैप होता है, उस 6 महीने के गैप के दौरान किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुएशन साइकिल
उस फीमेल के अंदर या उस मदर के अंदर देखने को नहीं मिलता है, यानी लैक्टेशनल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो अब्सेंस पाया जाता है ना। मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड 6th मंथ का होता है, 6 महीने तक ये लैक्टेशन पीरियड चलता है, तब तक कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाता है ताकि कोई भी डिलीवरी होने की चांसेस न हो। फिर उसके बाद में यूज़ की जाती थी स्पर्मिसाइड जेली, यानी कि पेनिस पर एक स्पर्मिसाइड जेली का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण से क्या होता था कि स्पर्म का इजेकुलेशन नहीं होता था। अगर किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन नहीं पाया जाता है तो स्टिमुलेशन न होने के कारण उसमें किसी प्रकार के स्पर्म का इजेकुलेशन नहीं होता था। स्पर्मिसाइड जेली लाइक ऑयली सब्सटेंस, आप पेनिस के साथ में किसी भी ऑयली सब्सटेंस को अगर यूज़ करते हैं फॉर प्रिवेंट इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म के इजेकुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और ये स्पर्मिसाइड जेली बनी हुई किसकी आती है, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट की बनी हुई आती है ना। और नो एनी मेडिसिन यूज इन द नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में किसी भी प्रकार की मेडिसिन का या किसी के भी प्रकार के बैरियर का है ना, या किसी भी प्रकार के डिवाइस का कोई भी यूज नहीं किया जाता था। ये सारे मेथड तो थे नेचुरल्स। नेचुरल में हम लोगों ने एक बार वापस एक लगाया कौन कौन से थे, सबसे पहले तो पेरियोडिक अब्सेंस यानी कि डेज का अब्सेंस होना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, दूसरा विड्रॉल, पेनिस को विड्रॉल कर दीजिए इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म से पहले बिफोर है ना, और लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी जो लैक्टेशन पीरियड होता था डिलीवरी के बाद में उस टाइम एमिनोरिया हो जाता यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता था। स्पर्मिसाइड जेली का हम लोग यूज करते थे, कोई भी तरीके की मेडिसिन बैरियर या डिवाइस का यूज नेचुरल मेथड में नहीं किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में बैरियर मेथड्स। ओके, तो अभी हम आगे स्टडी करते हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस जो आर्टिफिशियली आते हैं और जिनको हम यूज कर करके कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और जिनको हटाने के बाद हम प्रेगनेंसी को वापस यूज किया जा सकता है। बैरियर कौन से मेथड पे काम करता है? बैरियर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंट मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म विथ बैरियर, यानी किसी भी बैरियर के थ्रू अगर मैं स्पर्म और एग की मीटिंग को रोक देता हूँ वो बैरियर मेथड कहलाता है ना। और सबसे पहला बैरियर मेथड देखते हैं हम कॉन्डोम और निरोध, है ना। कंडोम क्या होता है? कंडोम गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक ऐसा डिवाइसेस है जो जनरली कहीं पर भी इजीली मिल जाता है। ये एक थिन रबड़ एंड लेटेक्स शीट आती है, इट इज कंसिस्ट बाय थिन रबड़ एंड लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर द पेनिस। इसके कारण क्या किया जाता है, पेनिस को कवर किया जाता है फॉर प्रिवेंट इनसेमिनेशन, यानी इनसेमिनेशन को क्या किया जाता है, इसको पहनने के बाद कवर किया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। फॉर प्रिवेंट STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी वे डिसीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के कारण या मेल एंड फीमेल के फिजिकल रिलेशन के कारण अगर ट्रांसमिटेड होती है उन डिसीज को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, लाइक HIV, AIDS एंड सिफिलिस, गोनोरिया एक्सेट्रा, है ना। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। आप डायग्राम देख रहे हैं, ये मेल कॉन्डोम का डायग्राम है और ये फीमेल कॉन्डोम का डायग्राम है ना। फीमेल कॉन्डोम सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना के अंदर और उसके बाद में सेकंड टाइम डिस्कवर किया गया तो वो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि सहेली का भी डिस्कवर हुआ था। फीमेल कॉन्डोम को फेमिडोम्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेमिडोम्स कहा जाता है ना। यह डिस्पोजल होता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है ना, और ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है यूजर को प्राइवेसी देता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है और डिस्पोजेबल होता है, यूजर एक बार ही इसको यूज किया जा सकता है। यह स्पर्म को अपने अंदर सेव करके रखता है और फीमेल की वजाइना के अंदर इजेक्ट नहीं होने देता। फिर आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स क्या होता है। डायफ्राम एक तरीके का राउंडेड क्लिप होता है जिसके ऊपर की तरफ एक जेली लगी होती है जो स्पर्म को उस जेली पर टच करते ही स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ये फीमेल की वजाइना के अंदर सर्विक्स के मेन पार्ट पर यानी माउथ पर उसको पुटअप किया जाता है। फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए आते हैं तीनों के तीनों, वॉल, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम्स। फॉर ब्लॉकिंग एंट्री टू स्पर्म, है ना, ये स्पर्म की एंट्री क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। और रीयूजेबल, ये सारी की सारी रीयूजेबल है, इसको वॉश करने के बाद वापस से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पर, ये डायफ्राम तो सर्वाइकल कैप का डायग्राम है,
एक इस तरीके की बड़ी आती है जिसके ऊपर की तरफ एक छोटी सी नोब होती है जहाँ पर जेली यानी स्पर्मिसाइड्स जेली लगा दी जाती है जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करती है ना। स्पर्मिसाइड जेली आल्सो यूज्ड इन दिस मेथड, इस वेरियर मेथड में स्पर्मिसाइड जेली का भी यूज किया जा सकता है। जेली जिस नाम से मिलती है मार्केट में वो है ना, वो नोनोजाइलोन 9 नाम से जेली मिलती है। उसी तरीके हम देखें डायफ्राम का जो सेकंड नेम है उसे डच कैप भी कहा जाता है या उसे वेजाइनल स्पंज भी कहा जाता है। इसे एक बार नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे वाले मेथड के अंदर जो आगे वाले वीडियो के अंदर जो भी अगले मेथड्स है उनकी